एशियन रिजर्व की तेज और उछाल भरी पिच पर टीम इंडिया की परीक्षा। देश विदेश में विजय पताका फहराने वाली भारतीय क्रिकेट टीम शुक्रवार से बेसिन रिजर्व की तेज और उछाल भरी पिच पर पहले टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड का सामना करेगी, तो उसके सामने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में यह अब तक की सबसे कठिन चुनौती होगी। शीर्ष रैंकिंग वाली विराट कोहली की टीम की 360 अंक है और कागजों पर उसका पल्ला भारी दिख रहा है, लेकिन केन विलियमसन की कीवी टीम संयम की पूंजी है जो इन पिचों पर उपयोगी साबित होगी। न्यूजीलैंड ने पिछली बार मार्च 2017 में अपनी सरजमी पर टेस्ट सीरीज गवाई थी, उसके बाद से उसने यह 10 में से 5 टेस्ट जीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 0-3 से हारने के बाद न्यूजीलैंड के इरादे जीत की राह पर वापसी के होंगे, जबकि भारतीय टीम यह साबित करना चाहेगी कि पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में मिली जीत तुक्का नहीं थी और प्रतिकूल परिस्थितियों में जीतने का तरीका उसे बखूबी आता है। विपरीत दिशा से आती हवाओं के कारण बेसिन रिजर्व गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है। ऐसे में पृथ्वी शाह और मयंक अग्रवाल की नई सलामी जोड़ी को ट्रेंट बोल्ट, टीम साउथी और टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण करने जा रहे काइली जेमिसन जैसे आला दर्जे के गेंदबाजों का सामना करना है। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नील वेगनर की गैरमौजूदगी में भारतीय मध्य क्रम ने राहत की सांस ली होगी। वेगनर अपने पहले बच्चे के जन्म के कारण ब्रेक पर है। न्यूजीलैंड टीम में ऑलराउंडर डेरिल मिशेल और बाएं हाथ के स्पिनर एजाज पटेल में से एक को जगह मिलेगी। कप्तान कोहली टॉस जीतने पर गेंदबाजी चुन सकते हैं ताकि जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी पिच से मिलने वाली शुरुआती मदद का फायदा उठा सके। कोहली स्वयं स्वीकार कर चुके हैं कि उनकी टीम को पिच के अनुकूल होने का इंतजार करना होगा, जबकि विलियमसन की टीम इसी संयम के लिए जानी जाती है। कोहली ने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि विरोधी टीम में कितना संयम है, हमें और सब्र दिखाना होगा। हम ऐसे तैयारी नहीं कर सकते कि न्यूजीलैंड अपने संयम के दम पर हम पर दबाव बना दे। न्यूजीलैंड टीम 4 तेज गेंदबाजों और एक तेज गेंदबाज ऑलराउंडर के साथ उतर सकती है, जबकि भारतीय टीम प्रबंधन स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को उतार सकता है, जिनके पास रविंद्र जडेजा से ज्यादा विविधता है। न्यूजीलैंड टीम चोट के बाद ट्रेंट बोल्ट और भारतीय टीम ईशान की वापसी से मजबूत हुई है। भारतीय टीम का भरोसा तकनीक के धनी चेतेश्वर पुजारा, कोहली और अजिंक्य रहाणे पर होगा। टीमें भारत, विराट कोहली कप्तान, मयंक अग्रवाल, पृथ्वी शाह, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, हनुमा विहारी, रिद्धिमान साह, ईशान शर्मा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा। न्यूजीलैंड केन विलियमसन कप्तान, टॉम ब्लेंडे ट्रेंट बोल्ट, कोलिन डी ग्रैंडहोम, काइनी जेमिसन, टॉम लाथन, डेरिल मिशेल, हेनरी निकोलस, एजाज पटेल, टीम साउथी रोस टेलर, विजय बाटलिंग। फ्रेंड्स, आपका टीम इंडिया के बारे में क्या कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।